नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको एंजाइटी, घबराहट, पल्पिटेशन, फियर, फोबिया, डर, इससे नेचुरली कैसे ट्रीट करें, नेचुरली कैसे ठीक हो, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और ये भी समझेंगे एंजाइटी क्या है, डर क्या है, घबराहट क्या है, पल्पिटेशन क्या है, पैनिक अटैक क्या है। तो नेचुरल तरीका जिससे हम ठीक हो सकें वो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आपको भी एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, डर बना रहता है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि एंजाइटी होती है नॉर्मल घबराहट, जैसे किसी का एग्जाम शुरू हुआ बच्चे का, तो एग्जाम के दौरान घबराहट होना एक नॉर्मल चीज है। उससे क्या होता है, वो फिजियोलॉजिकल एंजाइटी है। आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, आपका एफिकेसी बढ़ जाता है, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे आप एक अच्छा रिजल्ट अप्रोच करते हैं। दूसरी चीज, थोड़ा डर भी रहेगा, सिक्रीशंस बढ़ते हैं, यूरिन भी जाना पड़ता है, थोड़ी प्यास भी लगती है उस समय, वो एक नॉर्मल है। कई बार एक एग्जाम्पल और समझाता हूं, नॉर्मल समझेंगे फिर ही एबनॉर्मल समझ में आएगा। जैसे कि आप अंधेरी जगह में ट्रेवल करते हैं, कोई अंधेरा रास्ता है, तो उस समय आपको घबराहट होना बहुत अच्छा होता है। क्यों होना? उससे आप अलर्ट हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल एंजाइटी है जो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाएगी, आपकी अलर्टनेस बढ़ाएगी, आपको किसी मुसीबत से बचाएगी। ये यहां तक नॉर्मल है। पर कुछ केस में क्या होता है, और जैसे ही आप उस अंधेरे से बाहर आते हैं आप नॉर्मल हो जाएंगे। जैसे ही आप एग्जाम देके बाहर आते हैं आप नॉर्मल फील करेंगे, ये हो गया नॉर्मल। पर पैथोलॉजिकल, जो आपको डिस्टर्ब करे एंजाइटी, जो आपको परेशान करे, आपका क्वालिटी इंपेयर्ड कर दे, नींद नहीं आए, घबराहट रहे, बीमारी में कन्वर्ट हो, ठीक है, पैनिक अटैक आए, तो वो क्या है कि एंजाइटी शांति नहीं हो रही है, घबराहट बनी ही जा रही है, स्टेजेस बढ़ती जा रही है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को रूम में बंद कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत ओवर ईटिंग करते हैं, कुछ लोग मीठा खाते हैं अननेसेसरी, कुछ भी कोई एक्टिविटी करता है एंजाइटी को रिलीज करने के लिए। पर ये एक सही तरीका नहीं है। कुछ लोगों को मरने के विचार भी आते हैं, बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं, उससे एंजाइटी शांत नहीं होती है बल्कि ये और वर्स होती है इन चीजों से। तो उस समय क्या करना है, उस समय मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाइयों की जरूरत पड़ती है। ये समझ लीजिए उस समय आपको दवाइयां लेनी जरूरी हैं। पर अब कब दवाई की जरूरत नहीं है ये समझना जरूरी है। देखिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप एक्सरसाइज 20 मिनट्स डेली ब्रिस्क वॉक करते हैं या जिम में अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो आपका एंजाइटी रिलीज होगा, एंजाइटी ठीक होगा। अब आप सोचेंगे क्यों ठीक होगा, तो मैं साइंटिफिकली प्रूव करता हूं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका रेस्पिरेशन काफी तेज हो जाता है, मसल्स एक्टिव हो जाती है, ब्रेन में ऑक्सीजन कैरी होने लगता है और अच्छे हॉर्मोन्स बनने लगते हैं, फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। ये सारे हॉर्मोन्स क्या करेंगे, आपकी एंजाइटी को शांत करने में हेल्प करेंगे। अब डोपामिन कैसे रिलीज होगा एक्सरसाइज करने से, जब आपका टारगेट डेली 20 मिनट एक्सरसाइज करने का है, आप 20 मिनट एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद आपका टास्क पूरा होगा तो आपके बॉडी को एक रिवॉर्ड मिलेगा, तो उस रिवॉर्ड को पूरा करने से रिलीज होता है डोपामीन, ठीक है। एक्सरसाइज करने के बाद आपको थोड़ा सा फटीग होगा, रेस्ट करने का मन करेगा, रिलैक्स करने का, और काफी लव वाली फीलिंग आएगी तो रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में दर्द कम होगा, पेन कम होगा, तब रिलीज होगा एंडोर्फिन हार्मोन। तो ये सब आपके लिए है। और जब आप इतनी सारी चीजें कर लेंगे तो उसके बाद रिलीज होगा हैप्पीनेस हार्मोन सेरोटोनिन, तो ये आपको जवान रखेगा, घबराहट बेचैनी से दूर रखेगा। वैसे भी आपको पता होगा एंजाइटी पैनिक अटैक में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, दैट इज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। तो वो चीजें आपकी बॉडी में नेचुरली आप बना सकते हैं, एक अच्छी एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके, योगा करके, अच्छा डाइट फॉलो करके, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग से। तो ये आपको लाइफ में आगे बढ़ाएंगी चीजें, एक प्रॉपर काउंसलिंग से, ठीक है। अब मैंने बताया कई बार सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है, कुछ सिचुएशन बहुत वर्स हो जाती है, किसी से बात नहीं करना, मुंह फुला लेना और जिंदगी सब खत्म हो गया ऐसा सोचना, तो उस केस में मेडिसिन रिक्वायर्ड है।
अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको हमेशा एक मूल मंत्र और एक ब्रह्म शस्त्र बताता हूं हमेशा, जिसका कोई तोड़ नहीं है। कोई भी एंजाइटी है तो ऐसा नहीं कि दवाई दे दी, एक्सरसाइज कर लिया, वो सब ओके है। दीज आर सिम्टोमेटिक, उसको क्योर कैसे करें? क्योर करने के लिए कारण ढूंढना पड़ेगा, एंजाइटी का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द एंजाइटी। कोई लव फेलियर है, या कोई डिप्रेशन है, या किसी को आपने खो दिया है, या कोई लाइफ में आपको सक्सेस नहीं मिली, या आपके साथ वाले बहुत आगे चले गए, आप वहीं रह गए, या उनसे पिछड़ गए, तो रिग्रेट्स रह गया, कई चीजें हैं। तो हमेशा कारण को ट्रीट करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, कारण ट्रीट करना, बाकी सब उसके बाद है। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर ले। गुड बाय, नमस्कार।